नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार देव, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड ग्रामोत्थान। इस वीडियो में हम मटेरियल साइंस एंड सेमीकंडक्टर फिजिक्स में थ्योरी ऑफ सेमीकंडक्टर को डिस्कस करेंगे। सेमीकंडक्टर्स को हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और हम कहते हैं कि इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, इनकी जो रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी होती है, वो आपकी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में होती है। अगर हमारा सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर है तो वहाँ पर वैलेंस बैंड आपका कंप्लीटली फिल्ड होता है, जबकि कंडक्शन बैंड आपका एम्प्टी होता है। सेमीकंडक्टर को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो हम लोग उसको एनर्जी गैप, जो हम लोगों ने बैंड थ्योरी में डिस्कस किया था, उसके अकॉर्डिंगली हम इसको क्लासिफाई करते हैं। तो जब हमने इसको क्लासिफाई किया तो हमें पता लगा कि इनका जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर का होता है। जो हमारे पास वेल नोन सेमीकंडक्टर है, जर्मेनियम और सिलिकन, उनके लिए जो हम लोगों ने फॉरबिडन एनर्जी गैप को कैलकुलेट किया तो जर्मेनियम के लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सिलिकन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर का मिला। एब्सोल्यूट जीरो केल्विन टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर का जो बिहेवियर है वो इंसुलेटर की तरह होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके वैलेंस बैंड में होते हैं, कंडक्शन बैंड आपका कंप्लीटली एम्प्टी होता है और कंडक्शन के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। लेकिन जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, आपके वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को थर्मल एनर्जी प्रोवाइड होती है और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी लेकर कंडक्शन बैंड में ट्रांजिशन कर जाते हैं और कंडक्शन के लिए अवेलेबल हो जाते हैं, तो उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सेमीकंडक्टर्स की, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की या सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। इस स्लाइड में हम टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। तो सेमीकंडक्टर को जब हम बात करते हैं तो हम लोग दो तरीके के सेमीकंडक्टर्स में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो प्योर सेमीकंडक्टर है। दूसरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो हम प्योर के अंदर जब इंप्योरिटी डॉप करते हैं तो वो सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को जब हम लोग इम्प्योरिटी के डोपिंग के अकॉर्डिंगली जब हम क्लासिफाई करते हैं तो ये दो तरीके का होता है, एक एन टाइप और एक पी टाइप। इसका मतलब अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को डोप करेंगे तो वो आपका एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा और इसके अंदर आपके मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये आपके इम्प्योर एटम है जिसके हम लोग उसके अंदर डोपिंग करते हैं। दूसरा टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो है पी टाइप है। मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को डोप करते हैं तो वो आपका पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है। इसके अंदर मेजोरिटी चार्ज कैरियर आपके होल्स होते हैं। हम यहाँ वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है उसमें आपका वैलेंस बैंड कम्प्लीटली फिल होता है और आपका कंडक्शन बैंड जो है कम्प्लीटली एम्प्टी होता है। यहाँ पर जो है वेल नोन जो सेमीकंडक्टर है हमारे पास जर्मेनियम और सिलिकन है, जिन्हें हम बेसिक सेमीकंडक्टर्स भी कहते हैं। इनके पास आपके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनमें आपकी सिलिकन की थर्मल स्टेबिलिटी जर्मेनियम के रेस्पेक्ट में अच्छी होती है, इसीलिए सिलिकन आपका मोस्ट कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर है सेमीकंडक्टर डिवाइसेज में। सिलिकन और जर्मेनियम जो है उनकी जो स्ट्रक्चर होती है लैटिस स्ट्रक्चर, वो आपकी डायमंड लाइक स्ट्रक्चर होती है। इनके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ये नियर बाय 4 एटम्स के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके 4 आपके कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं जो यहाँ पर मेंशन है। जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो आपके कुछ थर्मल एनर्जी आपको इनको वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड हो जाती है, जिससे वो आपके इलेक्ट्रॉन ब्रेक अवे हो जाते हैं, मतलब वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ट्रांजिशन कर जाते हैं और कंडक्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो यह तो आपके जो इलेक्ट्रॉन है एनर्जी लेकर कंडक्शन बैंड में चले गए, लेकिन वहाँ पर एक इम्प्योरिटी, वहाँ पर आपकी एक वैकेंसी क्रिएट कर दी और वो वैकेंसी जो है वैलेंस बैंड के अंदर होती है और वो वैकेंसी जो है वो आपका होल की तरह ट्रीट करती है। होल का बिहेवियर और इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर जो है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। मतलब अगर होल आपका एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल या फिर इलेक्ट्रॉन है और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो होल आपका एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जो वैलेंस बैंड में बाउंड होता है। ये एक वैकेंसी है, होल आपकी एक वैकेंसी है। किसकी वैकेंसी है? जो इलेक्ट्रॉन आपका वैलेंस बैंड से ट्रांजिशन बैंड में चला गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि होल बिहेव्स एज एन अपेरेंट फ्री पार्टिकल विद इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज। प्योर सेमीकंडक्टर में जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही आपके होल्स होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन आपके हमेशा कंडक्शन बैंड में होंगे और होल्स आपके हमेशा वैलेंस बैंड में होंगे, और प्योर सेमीकंडक्टर में दोनों नंबर आपका हमेशा इक्वल होगा। इसका मतलब प्योर सेमीकंडक्टर के लिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड, दैट इज इक्वल टू Ni। Ni इज आल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को थोड़ा और एक्सप्लेन करें तो हम कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट जीरो केल्विन टेम्परेचर पर इस डायग्राम से एक्सप्लेन होता है कि सारे के सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो आपके वैलेंस बैंड में और कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब अगर एब्सोल्यूट जीरो केल्विन टेम्परेचर पर बात करें तो ये एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, क्योंकि कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। लेकिन जैसे हमने टेम्परेचर राइज किया, वैलेंस बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है आपके कंडक्शन बैंड में ट्रांजिशन कर गए और यहाँ एक वैकेंसी
क्रिएट कर गए, ये आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तरह ट्रीट करते हैं, और ये वैकेंसी एक पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट करती है जिसे हम होल्स कहते हैं। ये दोनों ही आपके कंडक्शन में पार्टिसिपेट या कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन और होल के कारण आपकी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर जो है पुअर होती है, क्योंकि ये बहुत स्मॉल नंबर में होते हैं, क्योंकि थर्मल जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है उनका नंबर बहुत कम होता है। तो इनकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम इसके अंदर एक इम्प्योरिटी ड्रॉप करते हैं जिसे हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो कंडक्टिविटी डिस्कस्ड कि रूम टेम्परेचर पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम लोग इसके अंदर एक सूटेबल इम्प्योरिटी को ऐड कर देते हैं प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर, और ये सेमीकंडक्टर जो है ये आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो जाता है जिससे इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, और इम्प्योरिटी जो है हम लोग ए फ्यू पार्ट्स पर मिलियन के ऑर्डर पर हम लोग इसके अंदर डोप करते हैं। तो जो इम्प्योरिटी जो डोपिंग होती है उसे इम्प्योरिटी जो हम लोग ऐड करते हैं उसे हम डोपिंग कहते हैं, और इम्प्योरिटी एटम को हम डोपेंट कहते हैं। डोपेंट जो है वो इस तरह का होना चाहिए कि उससे जो सिलिकन या जर्मेनियम जिनकी हम बात कर रहे हैं उनकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट ना हो या लैटिस स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट ना हो। तो इसके लिए एक नेसेसरी कंडीशन है कि साइज ऑफ द डोपेंट एटम जो है वो आपके सेमीकंडक्टर एटम्स के नियरली सेम होनी चाहिए, मतलब दोनों की साइज अप्रोक्सीमेटली सेम होनी चाहिए। जब हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया, एक एन टाइप और एक पी टाइप। सबसे पहले हम एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्योर सेमीकंडक्टर में हम पेंटावेलेंट एटम्स की डोपिंग करते हैं, और पेंटावेलेंट एटम्स के पास हमारे पास फाइव वैलेंसी एलिमेंट वाला एटम है जिसमें फाइव वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपके जब ये एक पेंटावेलेंट एटम एक क्रिस्टल लैटिस में सिलिकॉन को रिप्लेस करेगा तो इसके फोर जो है पेंटावेलेंट एटम के जो फोर इलेक्ट्रॉन हैं वो नियर बाय फोर सिलिकॉन एटम के साथ क्या करेंगे आपके कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाएंगे, लेकिन इसका जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है वो वीकली बाउंड होता है इसके पेरेंट एटम के साथ, और इसको इसके लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी है इसको इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत स्मॉल होती है। इवन एट रूम टेम्परेचर इट विल बी फ्री टू मूव इन द लैटिस ऑफ द सेमीकंडक्टर, मतलब ये रूम टेम्परेचर पर भी पॉसिबल है कि रूम टेम्परेचर पर ही है लैटिस में फ्रीली मूव करने के लिए अवेलेबल हो जाए। तो अगर हम लोग जर्मेनियम की बात करें तो जर्मेनियम में इस इलेक्ट्रॉन को इस पेरेंट एटम से रिलीज करने के लिए हमें 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि सिलिकॉन के लिए हमें 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की रिक्वायर होती है इस इलेक्ट्रॉन को इस एटम से अपने पेरेंट एटम से फ्री करने के लिए। दिस द पेंटावेलेंट डोपिंग, डोपेंट इज डोनेटिंग वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि पेंटावेलेंट जो आपका एटम है वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसके लिए, किसको, आपके क्रिस्टल स्ट्रक्चर को। तो इसका मतलब एक पेंटावेलेंट इलेक्ट्रॉन जो है आपका एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है कंडक्शन के लिए, और ये एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है इसलिए हमने इसको एक डोनर इम्प्योरिटी का नाम दे दिया, क्योंकि ये डोनेट कर रहा है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेड अवेलेबल फॉर कंडक्शन बाय डोपेंट एटम डिपेंड्स स्ट्रॉन्गली अपॉन द डोपिंग लेवल एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी इंक्रीज इन एम्बियंट टेम्परेचर, इसका मतलब कितने नंबर ऑफ आपके पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे कंडक्शन के लिए वो आपके डोपेंट एटम की डोपिंग पर डिपेंड करता है। और साथ में ये अब यहाँ पर हमारे टेम्परेचर डिपेंडेंसी नहीं है कि भाई हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी के लिए। सिमिलरली पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनाते हैं, इसके लिए हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर ट्राइवेलेंट एटम की इम्प्योरिटी डोप करते हैं। इसमें जो डोपेंट एटम होता है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम होता है सिलिकन या जर्मेनियम से, तो देयरफॉर दिस एटम कैन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद नेबरिंग थ्री सिलिकन एटम और जर्मेनियम एटम बट डज नॉट हैव एनी इलेक्ट्रॉन टू ऑफर टू द फोर्थ सिलिकन एटम, सो द बॉन्ड बिटवीन द फोर्थ नेबर एंड द ट्राइवेलेंट एटम हैज अ वैकेंसी और होल। तो वहां पर क्या होता है आपका कि इसके पास ये नियर बाय तीन सिलिकॉन के साथ तो कोवेलेंट बॉन्डिंग बना लेगा लेकिन चौथे के लिए इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता है और वहां एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है जिसे हम होल कहते हैं। तो यहाँ पर जो होल होता है वो आपके कंडक्शन के लिए अवेलेबल होता है, इसका मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर में भी हम लोग इम्प्योरिटी डॉप करके कंडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। द इम्प्योरिटी ऑफ ट्राइवेलेंट एटम इज रिक्वायर्ड वन मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स वैलेंस बॉन्डिंग विथ फोर्थ एटम, इट बिहेव लाइक एन एक्सेप्टर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चाहिए होता है तो इसको चाहिए इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर कहते हैं। सो दैट वन एक्सेप्टर एटम गिव्स वन होल, तो जितने भी एक्सेप्टर एटम होंगे उसके बाद एक वैकेंसी क्रिएट है और वो वैकेंसी होल की तरह ट्रीट करती है, इसका मतलब वन
वन एक्सेप्टर एटम गिव्स वन होल, और जितने नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम होंगे उतने नंबर ही आपके पास होल्स होंगे। तो और ये आपके कंडक्शन के लिए क्या होंगे, अवेलेबल होंगे। लेकिन जैसे ही आप थर्मल जनरेटेड करते हो, थर्मल जनरेशन होता है, तो आपके कुछ इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, तो वहां पर आपके क्या होते हैं, वहां पर आपके होल्स भी क्रिएट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो होल्स हैं, इंट्रिंसिक होल प्लस एक्सेप्टर होल्स, दोनों मिलकर आपके क्या करते हैं, कंडक्टिविटी करते हैं, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स जो थर्मल जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स है उसके मुकाबले बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपके यहाँ पर जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो आपके होल्स होते हैं, जबकि एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हम लोगों ने जो सेमीकंडक्टर का जो डिस्कशन किया है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, उसको हम लोग यहाँ पर एक इस स्लाइड में पिक्टोरियल फॉर्म में समझ लेते हैं। तो अगर हम लोगों ने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिया है तो वहाँ वैलेंस बैंड कम्प्लीटली फिल्ड होता है, कंडक्शन बैंड आपका कम्प्लीटली एम्प्टी होता है, और इसमें फर्मी एनर्जी होती है, फर्मी एनर्जी लेवल होता है, जिसे हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये आपका फर्मी एनर्जी लेवल बिल्कुल मिड में लाई होता है। यहाँ पर आपके जितने भी हैं सब सिलिकन या जर्मेनियम टाइप के हैं, यहाँ पर आपके प्लस फोर उनकी वैलेंसी, और वो नियर बाई चार, एक दो तीन, नियर बाई जो है एक दो तीन और चार, इन चारों के साथ वो एक कोवेलेंट बॉन्डिंग कर रहा है ये वाला। सिमिलरली ये वाला भी इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ एक कोवेलेंट बॉन्डिंग कर रहा है, और यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या होल अवेलेबल नहीं है, थर्मल जनरेटेड इलेक्ट्रॉन और होल होंगे। लेकिन जब हम लोग इंप्योरिटी ड्रॉप करते हैं तो हमारा एन टाइप होता है, एन टाइप में आपके एनर्जी बैंड गैप पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब ये एक मिसकंसेप्शन है कि प्योर सेमीकंडक्टर और एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप चेंज होगा, एनर्जी गैप वही रहेगा। लेकिन जो फर्मी एनर्जी है, जो आपका प्योर सेमीकंडक्टर में बिल्कुल कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के मिड में था, वो आपका एन टाइप में शिफ्ट कर जाता है कंडक्शन बैंड की तरफ, और पी टाइप में शिफ्ट कर जाता है वैलेंस बैंड की तरफ। क्योंकि एन टाइप में जो है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये ऊपर प्योर इलेक्ट्रॉन्स रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल होते हैं, जबकि पी टाइप में आपके यहाँ पर रूम टेम्परेचर में बहुत सारे होल्स अवेलेबल होते हैं। तो फर्मी एनर्जी लेवल जो है वो आपका एन टाइप में कंडक्शन बैंड की ओर शिफ्ट कर गया, पी टाइप में आपका वैलेंस बैंड की ओर शिफ्ट कर गया। एन टाइप में हम लोग उस पेंटावेलेंट एटम की इंप्योरिटी डोप करते हैं, तो हमने फिफ्थ इलेक्ट्रॉन वाले एक एटम को इंप्योरिटी को डोप कराया, तो इसने चार नियर बाय चार के साथ चार कोवेलेंट बॉन्डिंग कर दी। ये पांचवा इलेक्ट्रॉन जो है ये इसके साथ जो है वीकली बाउंड है, और ये इससे इजीली रिलीज हो सकता है, जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह ट्रीट करता है इस क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर के अंदर। सिमिलरली पी टाइप में जब हम बात करते हैं, तो हम लोग एक थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी को डोपिंग कराते हैं, तो हमने कराया, तो ये तीन वाला है, तो इसके साथ और इसके साथ, तो इसने कोवेलेंट बॉन्डिंग कर ली, लेकिन यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो गई जो होल की तरह ट्रीट करती है, और जो टेम्परेचर बढ़ने पर आपका कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।